केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू की है। इस पेंशन योजना के जरिए पुरानी पेंशन योजना एनपीएस की कमियों को दूर किया गया है। केंद्र सरकार की इस नई पहल का सार्वजनिक उपक्रम के कर्मियों ने स्वागत किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यूनिफाइड पेंशन योजना में 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को निश्चित रूप से पेंशन मिलेगी। उन्होंने बताया कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ पेंशन की राशि में भी वृद्धि होती जाएगी। का पैसा इन्वेस्ट होता तो मार्केट ड्रिवन था, जिसमें आपको पता नहीं था कि आपका पेंशन अमाउंट क्या रहेगा। वो ज़्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था। तो कर्मचारियों और हमारे प्रतिनिधियों की तरफ से डिमांड था कि ये एक ऐसा हो कि पेंशन एक फिक्स्ड राशि हो, साथ साथ जो समय के साथ जो महंगाई बढ़ता है उसके हिसाब से उसे इंडेक्सेशन किया जाए, ताकि हमारा जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो एक सुनियोजित ढंग से व्यवस्थापित हो सके। यूपीएस में उसे प्रॉपरली टेक केयर किया गया है। अब हमारा जो पेंशन एक बार निर्धारित हो जाएगा वह है उतना ही रहेगा, साथ साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वो उतना उसके हिसाब से बढ़ते चला जाएगा, ताकि एम्प्लॉय को एक एश्योर्ड पेंशन मिलते रहे। साथ ही जो पुरानी स्कीम थी, जैसे विडो पेंशन या फैमिली पेंशन योजना, जो लास्ट पेंशन हमारा जो एम्प्लॉय ड्रॉ करते रहेगा, बाई चांस दुखदवश किसी उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके फैमिली को उनका जो पेंशन मिलता था उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिला। इसमें भी है कि आप मिनिमम जो सर्विस है 10 साल के बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप 10 साल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये प्लस डीए मिलेगा। अगर आप 10 से 25 साल के बीच में करते हैं तो 25 साल के बीच का जो प्रोपोर्शनेट है पेंशन उसके हिसाब से आपका बढ़ता चला जाएगा। जो 10 साल से ज़्यादा करेगा और 25 साल से कम है, प्रोपोर्शनेटली उनका पेंशन बढ़ते चला जाएगा। तो सभी को लाभ मिलेगा जिन्होंने 10 साल या उससे ज़्यादा की अहर्क सेवा कर ली है। और यह ओल्ड पेंशन स्कीम में भी इसी तरह की व्यवस्था थी। उस समय इनिशियली यह 33 वर्ष की थी, कि 33 वर्ष से नीचे का था, बाद में उसे फिक्स कर दिया गया। इसमें 10 वर्ष से ज़्यादा और 25 वर्ष के बीच में प्रोपोर्शनेट देने का प्रावधान। रायपुर रेल मंडल के ADRM बजरंग अग्रवाल ने बताया कि रायपुर डिवीजन में 7,500 कर्मियों के पास विकल्प है कि वह किस पेंशन योजना के साथ जाना चाहते हैं। देखिए, रायपुर डिवीजन की बात करूँ तो 7,500 हमारे ऐसे न्यू पेंशन स्कीम के एम्प्लॉई हैं जो अभी एट प्रेजेंट न्यू पेंशन स्कीम में है। उनके पास ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्ट कर सकते हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, एनपीएस और दोनों में बेसिक डिफरेंस? जैसा पहले ही मैंने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम में एश्योर्ड पेंशन का गारंटी नहीं थी गवर्नमेंट की, यहाँ पर 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी गवर्नमेंट दे रही है, कि जिसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी 14% से बढ़ा के 18.5% कर दिया है। गौरतलब है कि इस पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।